हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वैसे सिंगुलर और प्लूरल का मतलब क्या होता है? सिंगुलर को हिंदी में कहा जाता है एकवचन। जब हम एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात करते हैं तब यूज होता है सिंगुलर का। और प्लूरल को हिंदी में कहा जाता है बहुवचन। जब हम अनेक व्यक्तियों और अनेक वस्तुओं की बात करते हैं तब यूज होता है प्लूरल का। सो आज का फर्स्ट वर्ड है चाइल्ड। चाइल्ड को हम हिंदी में कहते हैं बच्चा, और जो कि एक सिंगुलर नाउन है, और इसका प्लूरल है चिल्ड्रन, जिसका हिंदी में मतलब होता है बच्चे। बहुत सारे बच्चों की बात कर रहे हो तब आप यूज करेंगे चिल्ड्रन। और नेक्स्ट है टूथ। टूथ को हिंदी में कहा जाता है दांत, और इसका प्लूरल नाउन है टीथ, जिसका हिंदी में मतलब होता है बहुत सारे दांत। बहुत सारे दांतों को इंग्लिश में टीथ कहा जाता है। और नेक्स्ट है फुट। फुट को हिंदी में कहा जाता है पैर, जब आप एक पैर की बात कर रहे हो, और इसका प्लूरल है फीट, जब आप एक से ज्यादा पैरों की बात कर रहे हो तब आप यूज करेंगे फीट। और अगला है लीफ। लीफ का मतलब होता है पत्ती, जब आप एक पत्ती की बात कर रहे हो, और इसका प्लूरल है लीव्स, जब आप बहुत सारे पत्तियों की बात कर रहे हो तब आप यूज करेंगे लीव्स। और नेक्स्ट है नाइफ। नाइफ को हिंदी में कहा जाता है चाकू, और इसका प्लूरल है नाइफ्स, जिसका हिंदी में मतलब होता है बहुत सारे चाकू। और नेक्स्ट है बॉय। बॉय को हिंदी में कहा जाता है लड़का, और इसका प्लूरल है बॉयज, जिसका मतलब होता है बहुत सारे लड़के। और नेक्स्ट है गर्ल। गर्ल को हिंदी में कहा जाता है लड़की, और इसका प्लूरल है गर्ल्स, जिसका हिंदी में मतलब होता है बहुत सारी लड़कियां। और नेक्स्ट है माउस। माउस को हिंदी में कहा जाता है चूहा, और इसका प्लूरल है माइस, जिसका हिंदी में मतलब होता है बहुत सारे चूहे। और अगला है ऑक्स। ऑक्स को हिंदी में कहा जाता है सांड या बैल, और इसका प्लूरल है ऑक्सन, जिसका मतलब होता है बहुत सारे बैल। बहुत सारे बैलों को इंग्लिश में ऑक्सन कहा जाता है। और अगला है पटेटो। पटेटो को हिंदी में कहा जाता है आलू, और इसका प्लूरल है पटेटोस, जिसका हिंदी में मतलब होता है बहुत सारे आलू। बहुत सारे आलू को इंग्लिश में पटेटोस कहा जाता है। और नेक्स्ट है मैंगो। मैंगो को तो सबको पता है आम कहते हैं, और इसका प्लूरल है मैंगोस, जब बहुत सारे आमों की बात कर रहे हो तब आप यूज करेंगे मैंगोस। और नेक्स्ट है हीरो। हीरो को हिंदी में कहा जाता है नायक, और इसका प्लूरल है हीरोस, जब आप बहुत सारे हीरो की बात कर रहे हो तब आप यूज करेंगे हीरोस। और नेक्स्ट है फोटो। फोटो, अगर एक फोटो की बात करें तो आप कहेंगे फोटो, और इसका प्लूरल है फोटोस, जब आप एक से ज्यादा फोटो की बात करेंगे तब आप कहेंगे फोटोस। और नेक्स्ट है टमाटो। टमाटो को हिंदी में कहा जाता है टमाटर, और इसका प्लूरल है टमाटोस, जब आप बहुत सारे टमाटरों की बात कर रहे हैं तब आप यूज करेंगे टमाटोस। और नेक्स्ट है पियानो। जब आप एक पियानो की बात कर रहे हैं तब आप कहेंगे पियानो, और इसका प्लूरल है पियानोस, जब आप एक से ज्यादा पियानो की बात करेंगे तब आप यूज करेंगे पियानोस। और नेक्स्ट है दिस। दिस का हिंदी में मतलब होता है यह, और इसका प्लूरल है दीज, जिसका हिंदी में मतलब होता है ये सब। और अगला है दैट। दैट का मतलब होता है वो, और इसका प्लूरल है दोज, जिसका हिंदी में मतलब होता है वे सब। और अगला है शीप। शीप को हिंदी में कहा जाता है भेड़, जिसका प्लूरल भी शीप ही होता है। और नेक्स्ट है डियर। डिया को हिंदी में कहा जाता है हिरण, जिसका प्लूरल भी डियर ही होता है। और नेक्स्ट है पर्सन। पर्सन को हिंदी में कहा जाता है व्यक्ति, और इसका प्लूरल है पीपल, एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात करेंगे तब आप यूज करेंगे पीपल। और अगला है वुमन, जिसका हिंदी मतलब होता है औरत, और इसका प्लूरल है विमेन, जिसका हिंदी मतलब होता है औरतें, एक से ज्यादा औरतों की बात करेंगे तब आप यूज करेंगे विमेन का। और नेक्स्ट है मैन। मैन को हिंदी में कहा जाता है आदमी, एक आदमी की बात कर रहे हैं तब आप यूज करेंगे मैन, और इसका प्लूरल है मेन, MEN मेन, एक से ज्यादा आदमियों की बात करेंगे तब आप यूज करेंगे MEN मेन का। और नेक्स्ट है गूज। गूज को हिंदी में कहा जाता है हंस, एक हंस की बात करेंगे तब आप यूज करेंगे गूज का, और इसका प्लूरल है गीज, जब आप एक से ज्यादा हंसों की बात करेंगे तब आप यूज करेंगे गीज का। और अगला है थीफ। थीफ को हिंदी में कहा जाता है चोर, और इसका प्लूरल है थीव्स, जब आप बहुत सारे चोरों की बात करेंगे तब आप यूज करेंगे थीव्स का। और नेक्स्ट है शेफ। शेफ को हिंदी में कहा जाता है रसोईया, और इसका प्लूरल है शेफ्स, जिसका मतलब होता है एक से ज्यादा रसोईया को शेफ्स कहा जाता है। और नेक्स्ट है की। की का मतलब होता है चाबी, और इसका प्लूरल है कीज, एक से ज्यादा चाबियों को कीज कहा जाता है। और नेक्स्ट है पेंसिल। पेंसिल को हिंदी में भी पेंसिल कहा जाता है,
और इसका प्लूरल है पेंसिल्स। एक से ज्यादा पेंसिल की बात कर रहे हो तब आप यूज करेंगे पेंसिल्स। और अगला है पेन। पेन को हिंदी में कहा जाता है कलम और इसका प्लूरल है पेंस। जब आप एक से ज्यादा पेन की बात करेंगे तब आप यूज करेंगे पेंस। और अगला है बुक। बुक को हिंदी में कहा जाता है किताब और इसका प्लूरल है बुक्स। जब आप बहुत सारी किताबों की बात करेंगे तब आप यूज करेंगे बुक्स का। और अगला है एनिमी। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन और इसका प्लूरल है एनिमीज, जिसका मतलब होता है एक से ज्यादा दुश्मन। और नेक्स्ट है सिटी। सिटी को हिंदी में कहा जाता है शहर और इसका प्लूरल है सिटीज। एक से ज्यादा सिटी की बात कर रहे हैं तब आप यूज करेंगे सिटीज का। और नेक्स्ट है स्टोरी। स्टोरी को हिंदी में कहा जाता है कहानी और इसका प्लूरल है स्टोरीज। एक से ज्यादा कहानी की बात कर रहे हैं तब आप यूज करेंगे स्टोरीज का। और नेक्स्ट है पपी। पपी को हिंदी में कहा जाता है पिल्ला और इसका प्लूरल है पपीज। एक से ज्यादा पपी की बात कर रहे हैं तब आप यूज करेंगे पपीज का। और नेक्स्ट है मॉस्किटो। मॉस्किटो को हिंदी में कहा जाता है मच्छर और इसका प्लूरल है मॉस्किटोज। एक से ज्यादा मच्छर की बात कर रहे हैं तब आप यूज करेंगे मॉस्किटोज का। और नेक्स्ट है बॉक्स। बॉक्स को हिंदी में कहा जाता है डिब्बा और इसका प्लूरल है बॉक्सेस। एक से ज्यादा डिब्बे की बात कर रहे हैं तब आप यूज करेंगे बॉक्सेस का। एंड द लास्ट वन इज फॉक्स। फॉक्स को हिंदी में कहा जाता है लोमड़ी और इसका प्लूरल है फॉक्सेस। जब आप एक से ज्यादा लोमड़ी की बात करेंगे तब आप यूज करेंगे फॉक्सेस का। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए फोटो और माउस का प्लूरल क्या होता है, लिख के बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो में आपने सीखे सिंगुलर और प्लूरल वर्ड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।